हम भारत के बाहर नहीं जाते हैं, भारत के अंदर ही देख लीजिए। अगर आप गुजरात में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, और अगर आपको गुजराती आती है, तो क्या आप गुजरात में गुजराती आने की वजह से फ़ायदा ले पाएंगे? या आप जानिए कि आप कलकत्ता जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल, और आपको बंगाली आती है, समझने लायक ही, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी क्या बंगाली आने की वजह से आप बंगाल के अंदर आराम से रह पाएंगे? बस वही फ़र्क है इंडिया और चाइना के अंदर। अगर आप चाइना के अंदर पढ़ने जाते हैं, आजकल हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं या फिर बिजनेसेस देख रहे हैं या घूमने का ट्रेंड देख रहे हैं, सबके अंदर हम चाइना जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ की छोटी मोटी समझने लायक लैंग्वेज आती हो, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छी तरह घूम पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, यहाँ तक कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं। इसी के कारण हमारा ये एम है या उद्देश्य है, जिस अगर आप चाइना के अंदर पढ़ने जाते हैं, आजकल हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं या फिर बिजनेसेस देख रहे हैं या घूमने का ट्रेंड देख रहे हैं, सबके अंदर हम चाइना जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ की छोटी मोटी समझने लायक लैंग्वेज आती हो, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छी तरह घूम पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, यहाँ तक कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं। इसी के कारण हमारा ये एम है या उद्देश्य है, जिससे आप ये पता कर पाएँ कि आपको मैंड्रिन, जो कि चाइना की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, उसको सीखने के अंदर क्या ज़रूरत है। चाइना जो आज की तारीख में इंडिया से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, यूएस का एरिया चाइना से सेकेंड नंबर पे है। चाइना सेकेंड नंबर पे है एरिया के मामले में, सॉरी, चाइना फर्स्ट नंबर है पॉपुलेशन के मामले में और फर्स्ट नंबर ही है एरिया के मामले में। तो इसके चलते हमें चाइनीज सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम चाइनीज सीख सकते हैं और समझ सकते हैं।